नमस्कार साथियों, देश भर में संकट काल में बहुत सारे वर्ग प्रभावित हुए हैं, लेकिन एक बड़ा तबका विद्यार्थियों का भी है जो इससे प्रभावित हुआ है। उनकी शैक्षिक व्यवस्था एक प्रकार से ठप्प हो ही गई है। विद्यालय कक्षीय प्रणाली इस समय बंद हुआ है, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो एक मुख्य समस्या उत्पन्न हो रही है किराया को लेकर के, कि बहुत सारे मकान मालिक ऐसा दबाव बना रहे हैं कि आप अपने सामान लेकर के यहाँ से चले जाएं, कमरा खाली कर दें या फिर आप किराया चुकाएं। इस प्रकार से इस संकट काल में मकान मालिकों का इस प्रकार से व्यवहार करना वो अनुचित है और साथ साथ में अनैतिक भी है कि उनके ऊपर दबाव इस प्रकार से ना बनाया जाए, उनको ये ना कहा जाए कि आप अपने कमरा खाली कर दें, सामान निकाल लें यहाँ से। कानूनन रूप से भी ये गलत है, इलीगल है। यदि कोई भी मकान मालिक किसी के ऊपर दबाव बनाता है कि आप कमरा खाली कर दें या यहाँ से चले जाएं, या ज़बरदस्ती किराए भाड़े की मांग करता है और धमकी देता है, तो इस प्रकार के जो व्यवहार हैं वो अनैतिक और साथ साथ में इलीगल की श्रेणी में आते हैं, गैरकानूनी की श्रेणी में आते हैं। उनको इसमें सज़ा भी दी जा सकती है। तो प्रत्येक मकान मालिक, यह उनकी समस्या है कि उनका भी आय का स्रोत यदि मकानों से मिलने वाला किराया ही है तो उनके लिए अवश्य रूप में समस्या हो रही होगी, लेकिन उनकी समस्या विद्यार्थियों की समस्या से बड़ी नहीं हो सकती है। उनको पूरी संवेदनशीलता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि भविष्य में उनके भी पुत्र या पुत्री किसी दूसरे शहर में जाकर के अध्ययन करेंगे, संभवतः उनके सम्मुख भी इस प्रकार के संकट उत्पन्न हो सकते हैं, तो उस स्थिति में वो किस प्रकार के निर्णय लेंगे? क्या उनका व्यवहार उस समय भी यही रहेगा जो वो किसी दूसरे विद्यार्थियों के साथ कर रहे हैं? देश में शिक्षा व्यवस्था को यदि सुचारू रूप से चलाना है, उसको प्रमोट करना है, विद्यार्थियों का सहयोग करना है, उनके साथ कोऑपरेशन करना है, दबाव नहीं डालना है। यदि प्रत्येक भारतवासी यह चाहते हों कि भारत अग्रसर हो शिक्षा के मायने में, वैज्ञानिक अनुसंधान के मायने में, डेवलपमेंट के मायने में, तो उनको विद्यार्थियों को सपोर्ट करना पड़ेगा। इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि मकान मालिकों को किराया तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इस संकट काल में थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है कि वो कुछ समय का किराया ना मांगें। जैसे पिछले 3-3.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि 1-2 महीने का या 3 महीने का किराया जो है पूरी तरीके से माफ़ी कर दें। इसमें कुछ अलग अलग कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। एक कैटेगरी तो ये कि यदि कोई मकान मालिक सरकारी नौकरी में है या बिजनेसमैन है या उसके आमदनी मोटी होती है, मोटी कमाई होती है, उसके आय प्रमाण पत्र के हिसाब से चेक किया जा सकता है। यदि उसकी आमदनी एक निश्चित आय के ऊपर हो रही हो जिससे कि वह 3-4 महीने 1 साल भी अपने गुजारा चला सकता हो, तो उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि वह कम से कम विद्यार्थियों का या जो बहुत ही गरीब तबके के श्रमिक हैं जिनके पास वह किराया चुकाने की हिम्मत नहीं है, उनका किराया माफ़ कर सकते हैं। एक दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि मकान मालिक ऐसे हों जो छोटे हों, उनके पास आमदनी का बड़ा जरिया ना हो, वो 10-12-15 हज़ार 20 हज़ार या मैक्सिमम 30 हज़ार तक भी वह किसी मकान से या कमरे को भाड़े पर दे करके कमा रहे हों, तो वो एक सीमित आय है। तो वो कैटेगरी बनाई जा सकती है कि वो 1-2 महीने का ही कम से कम माफ़ कर दें। और इस ओर से सरकार को भी यह कदम अवश्य उठाना चाहिए कि इस पे सख्त से सख्त कोई जल्दी निर्णय लेकर के आएँ, कोई फैसला लेकर आएँ, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर पास करें कि विद्यार्थियों का कम से कम 3 माह की किराया जो है वो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए यदि मकान मालिक के आय का साधन मजबूत नहीं है तो उसके भी हितों को ध्यान में रखना चाहिए।
यदि मकान मालिक के आय का साधन सही है, ठीक ठाक है, तो विद्यार्थियों का हितों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के हितों का ध्यान दोनों रूप में किया जाना चाहिए। मकान मालिक किसी भी कैटेगरी के हों, विद्यार्थियों की किराया माफ़ होना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों की भी कैटेगरी बनाई जा सकती है। एक ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता सरकारी में हों, आय का अच्छा साधन हो, तो उन विद्यार्थियों को नैतिक दृष्टि से यह चाहिए कि वह किराया चुका दें। जो सक्षम विद्यार्थी हैं वो असक्षम मकान मालिकों को किराया चुका सकते हैं। जो असक्षम विद्यार्थी हैं वो असक्षम मकान मालिक और सक्षम मकान मालिक दोनों को किराया ना चुकाएं, ऐसा व्यवस्था बनना चाहिए। जो सक्षम मकान मालिक हैं वो खुद ही अपनी तरफ से असक्षम और सक्षम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों का किराया माफ़ कर दें। जो असक्षम मकान मालिक हैं वो कम से कम असक्षम छात्रों का किराया माफ़ कर दें, सक्षम छात्रों से किराया ले लें। इस प्रकार से यदि खुद ही व्यवस्था बना लें तो अच्छा है। अगर इस कैटेगरी पे काम नहीं हो पा रहा है तो राज्य सरकार को, क्योंकि किराया ये सब चीज़ जो है मामला, ये सब राज्य के अंडर में आता है, तो प्रत्येक राज्य सरकार, जैसे चाहे दिल्ली की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, इस पे कड़े गवर्नमेंट ऑर्डर पास करें ताकि विद्यार्थियों को यह संकट ना हो कि उनके कमरे से उनके सामान को निकाल दिया जाएगा या उनको किसी प्रकार से प्रताड़ना की जाएगी। इस क्षेत्र में मेरे मित्र आकाश सिंह जी ने बड़ा अच्छा पहल किया था, जिसमें शुभम पांडे, कुछ अन्य साथी भी इसमें सहयोग करके पूरी आर्टिकल 19 का उपयोग करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से एक प्रकार से धरना प्रदर्शन किए। समाचार पत्रों में भी इस धरना को स्थान मिला है, उसके लिए उनको बधाई भी। और साथ में यह सरकारों से रिक्वेस्ट भी कि इस प्रकार के कैटेगरीज बना करके विद्यार्थियों के हितों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए, और ताकि देश में विद्यार्थियों को इस बात के लिए संतुष्टि हो कि जब भी इस प्रकार के आपातकाल होंगे तो उनको सुनने के लिए कोई है। क्योंकि विद्यार्थियों का जो स्थान है वो प्रमुख होना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट और हो सकता है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाला है, उसमें भी कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए जाने चाहिए कि जब भी इस प्रकार की आपदा आएंगी तो विद्यार्थी और जो श्रमिक भी हैं उनके हितों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। उनके जब भी लॉकडाउन हो तो उनके सैलरी का 50% कम से कम उनको दिया जाए। जब भी इस प्रकार के लॉकडाउन हो तो इस प्रकार के कैटेगरीज बना करके विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि श्रमिक और विद्यार्थी एक बहुत ही प्रमुख अंग हैं देश के भविष्य के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए। तो इस वीडियो में बस यही इतना कहना है, और साथ में अपने साथी मित्रों को बधाई भी देनी है। संभवतः सरकार इस पे जल्द से जल्द कुछ निर्णय करेंगी, ऐसा आशा रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।